हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा एलेक्साई शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे। इस स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाटा एलेक्साई शेयर के ऊपर। टाटा एलेक्साई के शेयर में आज हम लोगों को 3% से ज़्यादा का एक अच्छा उछाल देखने को मिला। स्टॉक करेंटली ट्रेड कर रहा है 7250 के लेवल पे। इस स्टॉक का 52 वीक हाई 10,760 रुपीज का है। तो अभी स्टॉक जो है अपने 52 वीक हाई से काफी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं चार्ट के ऊपर। अगर हम लोग चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो स्टॉक काफी टाइम के बाद 7200 के लेवल के ऊपर सस्टेन किया है। इनफैक्ट स्टॉक प्रीवियस 6 मंथ के हाई के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे क्लियरली अगर बात करेंगे तो इस लेवल को स्टॉक ने ब्रेकडाउन किया था अक्टूबर मंथ में। ब्रेकडाउन करने के बाद दिसंबर मंथ में यहाँ पे रीटेस्ट किया था, ब्रेकआउट करने की कोशिश किया था, नहीं कर पाया। वापस से अगर रिसेंटली देखेंगे तो मई मंथ में ही रिसेंटली स्टॉक ने यहाँ पे वापस से ट्राई किया था। अगेन यहाँ पे हम लोगों को सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, बट वंस अगेन स्लो एंड स्टडी इस स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला और स्टॉक 7250 के लेवल के ऊपर क्रॉस करके आज क्लोज दे चुका है। अब अगर इस स्टॉक में हम लोग बात करेंगे तो ऊपर की साइड में स्टॉक के पास एक गैप भी पेंडिंग है, जहां पे कि स्टॉक इस गैप को फिल करने के लिए जा सकता है। लेकिन यहां पे जो इमीडिएट इस स्टॉक के लिए हर्डल रहेगा वो रहेगा 7500 का लेवल। अगर स्टॉक 7500 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर आपको इस स्टॉक में 8250-8300 का लेवल इजीली देखने को मिल सकता है और उसके ऊपर स्टॉक जो है 9000 के लेवल पे भी जा सकता है। वीकली बेसिस पे भी बात करेंगे तो वीकली बेसिस पे भी हम लोगों को एक अच्छे बेस फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है और स्टॉक जो है वो आपको वीकली बेसिस पे भी एक अच्छा क्लोजिंग हम लोगों को देता हुआ दिख रहा है। लेकिन अभी वीकली क्लोजिंग में एक सेशन बाकी है, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन का अगर क्लोजिंग ऊपर की साइड में होता है तो फिर वीकली बेसिस पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो है इजीली हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वीकली बेसिस पे एक इनसाइड कैंडल के फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। प्रीवियस टू प्रीवियस वीक का है 7225 का था और प्रीवियस वीक का है 7209 का था और इस वीक में ऑलरेडी इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। तो वीकली बेसिस पे एक इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट है, डेली बेसिस पे भी हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है, जहाँ पे कि स्टॉक में शॉर्ट टर्म में आपको 8300-8400 का लेवल इजीली देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके पास स्टॉक है आप कंटिन्यू होल्ड करके इस स्टॉक को रख सकते हैं, चाहे तो फ्रेश पोजिशन भी यहाँ पे बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आपका स्टॉप लॉस जो है वो प्रीवियस टू प्रीवियस वीक के कैंडल के नीचे होना चाहिए, इस लो के नीचे होना चाहिए, 6700 के लेवल के नीचे आप स्टॉप लॉस प्लेस करके इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।